In this video, we discuss the summary of the play The Dreamers by Jack Leonard Davis. So let's get started with the summary of the play. The Dreamers by Jack Davis is a poignant exploration of the complexities within an Aboriginal family. So ये एक बहुत ही moving और बहुत ही emotional और touching किस्म की exploration है एक Aboriginal family की जो के जिनको एक वॉलेज भी कहते हैं फैमिली वॉलेज फैमिली वॉलेजेस ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं जिसमें एक बुजुर्ग मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है वोरू और उसकी एक नीस है जिसका नाम है डॉली और डॉली का एक हस्बैंड है जिसका नाम है रॉय और रॉय और डॉली के तीन बच्चे हैं जिनमें एक शेन है एक पीटर है और एक मीना है मीना 14 साल की बच्ची है शेन 12 साल का बच्चा है और जो पीटर है उसकी उम्र 18 साल है इनकी फैमिली में दो और लोग भी रह रहे हैं उनमें एक बच्चा है एली ELI और एक लड़का है उसका नाम है डेरन डेरन एक वाइट बॉय है जो फैमिली में रह रहा है तो ये एक 6 महीने की कहानी सुनाई गई है एबोरिजिनल फैमिली की तो ये प्ले जो है ये एक 6 मंथ की जो स्टोरी सुनाता है जिसमें एक इंटीमेट किस्म की एक ग्लिम्स है और एक प्यार मोहब्बत और एक डेली स्ट्रगल दिखाई गई है और एक ट्रायम्फ और एक फैमिलियल डायनेमिक्स दिखाए गए हैं ट्रायम्फ मींस विक्ट्री और हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स और सक्सेसेस मीन कि एबोरिजिनल पीपल जो हैं ये बड़े मार्जिनलाइज्ड किस्म के लोग हैं और इनको मेन क्लास में कंसिडर नहीं किया जाता और इन्होंने बहुत ही मसाइब और परेशानियां झेली हैं जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हैं और पुलिस हरासमेंट भी है इम्प्रिजनमेंट भी है और बहुत ही मतलब एक मिलंकलिस किस्म की एक हिस्ट्री है इस कम्युनिटी की जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बड़ी तफसील से बयान की है और आप नेट पे मजीद भी देख सकते हैं सो जो एक फैमिलियल डायनेमिक्स हैं वॉलेज हाउसहोल्ड के जो उनके घर के अंदर जो मामले चल रहे हैं और उसमें ये जो तीन बच्चे उनके दो वालिदैन और एक इनका जो बुजुर्ग गुरु है और उसके साथ इन्होंने कैसे यूनिटी की सिंबल के तौर पर दिखाया है कि एबोरिजिनल फैमिली ने एली और डेरन के कैरेक्टर को भी अकोमोडेट किया हुआ है और वो भी उनके साथ रह रहे हैं सो एट द हार्ट ऑफ द नैरेटिव ऑफ वुरु जो ये मेन कैरेक्टर है बुजुर्ग कैरेक्टर है तो जो ओल्ड एबोरिजिनल मैन है और इसने सर्व किया है और ये एक सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली के अंदर कि ये बेसिकली एक बुजुर्ग आदमी नहीं है बल्कि ये एक सेंट्रल फिगर है और ये वाइज है और इसने पूरी इसकी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं और इसकी जो इंटेलिजेंस है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वसी है फैमिली के अंदर और डेविस ने बहुत ही एक सैड टोन के अंदर एक एलर्जिक किस्म की टोन के अंदर थ्रू आउट द प्ले एक मोर्नफुल ट्राइबल पास्ट को बयान किया है कि एक बहुत ही दुखों से और परेशानियों से और मुसीबतों से भरा हुआ एक एबोरिजिनल लोगों का पास्ट जो कि इस फैमिली की फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टेडनेस है उसके अंदर बयान किया गया है एक मतलब बड़ी सैड सी और बड़ी मेलंकोलिक सी टोन है सो जो कैरेक्टर्स हैं ड्रीमर्स के वो एक डाइवर्स किस्म की हमें रेंज ऑफ एजेस और एक्सपीरियंसेस बताते हैं जिस तरह मैंने उम्रें बताई कि 12 साल का बच्चा भी है और एक बुजुर्ग भी है जो अपनी जिंदगी की तमाम एक्सपीरियंसेस को लेके बस अभी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है और उसमें फिर एक रॉय का कैरेक्टर है जो पूरी स्ट्रगल कर रहा है फैमिली के लिए प्रोटेक्ट भी कर रहा है उनको प्रोवाइड भी कर रहा है उनके लिए रिस्क रोटी भी कमा रहा है उनका ख्याल भी रख रहा है फिर डॉली के कैरेक्टर में बहुत ही स्ट्रांग वुमेन दिखाई गई है जो कि तमाम मसाइल में अपने बच्चों को पाल रही है और साथ में दो और लोगों को भी होस्ट कर रही है सो एक मल्टी जेनरेशनल किस्म की नेचर है एबोरिजिनल कम्युनिटी की और डॉली जो है ये एक एक्सप्रेसिव क्वीन मैट्रन या एक रूलर टाइप एक मतलब जिस तरह पैट्रियार्च होता है मर्द के लिए तो सिर्फ मैट्रियार्च किस्म की एक वुमेन दिखाई गई है जो कि गुरु की नीस है सो ये भी नेविगेट करती है डिफरेंट किस्म के डेली लाइफ के चैलेंजेस को कि बच्चों को भी पाल रही है मीना शेन और पीटर को और अपने हस्बैंड को भी देख रही है और उसमें डेरन और एक वाइट बॉय भी है जो 12 साल का बच्चा है और एक डिफरेंट किस्म की नैरेटिव में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की गई है और क्रॉस कल्चरल डायनेमिक्स के अंदर रेशियल डिफरेंसेस और फैमिलियल रिलेशनशिप के जो बॉन्ड है उसको दिखाया गया है प्ले की जो सेटिंग है उसमें जो टाइम और प्लेस है ये बहुत क्रूशल है इसके थीमेटिक रिचनेस के साथ 6 महीने के एक टाइम फ्रेम के अंदर जो एक बड़ी नुएंस्ड किस्म की बड़ी इंट्रिकेट और डिटेल्ड किस्म की वॉलेज फैमिली के एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट किया है जेक डेविस ने तो ये हाईलाइट करते हैं उनकी रेजिलियंस को उनकी स्ट्रेंथ को और उनके सोसाइटल चैलेंजेस को कि वो कितने मसाइल का शिकार हैं और कितनी रेजिलियंस प्रेजेंट कर रहे हैं कितनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कितना ओपन हार्ट के साथ और माइंड के साथ इतने मसाइल में वो एमिड सोसाइटल चेंजेस स्ट्रेंथ के साथ उनको फेस कर रहे हैं
सो डेविस ने बड़ा मास्टरफुली बुना है, वीव किया है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को सी दिया है, बुन दिया है, बांध दिया है उसके नैरेटिव को, और एड्रेस किए हैं ब्रॉडर इश्यूज जो कि एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लोग फेस कर रहे हैं। सो जो प्ले का टाइटल ही है द ड्रीमर्स, इससे ही हमें सजेस्ट होता है कि दे आर यर्निंग फॉर अ हार्मोनियस पास्ट, ड्रीम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ख्यालों में उनके, ख्वाबों में उनके एक डिजायर है, एक लॉन्गिंग है, एक हंगर है, एक थर्स्ट है अपने एक हारमोनियस किस्म के पास्ट की, के हमारा जो पास्ट है उसमें जो एक मेलोडियस, एक ट्यूनफुल, एक प्लेजेंट साउंडिंग, मींस एक स्वीट किस्म की मेमोरीज और एक नॉस्टैल्जिया का एलिमेंट है। सो अगेन डेविस ने एम्फसाइज किया है कि जो इनकी लॉन्गिंग फॉर अ टाइम, कि जब एबोरिजिनल पीपल जो है वो यूनिटी में रहते थे और इस दुनिया में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, उस चीज को ये प्रिजर्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में मेंटेन भी कर रहे हैं, और एली और डैरन के कैरेक्टर को अकोमोडेट करके उस यूनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और अपनी जो वुरू और रॉय जो है अपना एबोरिजिनल कल्चर जो है वो अपनी फैमिली और बच्चों को शिफ्ट भी करना चाह रहे हैं, जबकि दुनिया इस वक्त मॉडर्निटी की तरफ जा रही है और जो वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न ट्रेंड्स जो है, ये वेस्टर्नाइजेशन जो है वो भी दरवाजे पे खड़ी है और दस्तक दे रही है। सो मतलब मल्टीपल थीम्स एम्प्लॉय की हैं डेविस ने, लेकिन जो कल्चरल आइडेंटिटी की थीम है तमाम कैरेक्टर्स के अंदर, हेरिटेज और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है, और मींस के थ्रू दी कैरेक्टर ऑफ पीटर जो कि 18 साल का बच्चा है, डेविस ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि उसकी जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, मतलब कि वो बचपने से अभी अडल्टहुड की तरफ जा रहा है और वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है और उसमें वो जो अपने तशख्स को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, लम्हा ब लम्हा जो दुनिया चेंज हो रही है उसके अंदर, और उसके जो इंटरेक्शंस हैं जो डैरन के साथ, और फिर जो क्रॉस कल्चरल यूनिटी का एलिमेंट एक दिखाया गया है और सिंबलाइज किया गया है एक डिफरेंट किस्म के पोटेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, और जो एक्सेप्टेंस है उसके अंदर मौजूद है लेकिन फिर भी डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। और डेविस ने जो सिंबोलिज्म कन्वे किया है हमें और एक मैसेज दिया है डाइवर्सिटी का, और एम्फसाइज किया है शेयर्ड ह्यूमैनिटी के ऊपर, और ट्रांसेंड किया है कल्चरल डिस्टिंक्शंस को। ट्रांसेंड मींस कि वो कल्चरल डिस्टिंक्शन से ऊपर चले गए, बियॉन्ड चले गए। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब नॉलेज फैमिली और एबोरिजिनल कल्चर को रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह ये लोग अकोमोडेटिंग हैं, बड़े दिल के हैं और यूनिटी पे और डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। द ड्रीमर्स ये एक हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन नहीं है सिर्फ, ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी है, और ये जो आजकल के एबोरिजिनल लोग परसिस्टेंट टुडे में, आजकल की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं उनको भी बयान किया है। सो जो डिस्क्रिमिनेशन है और बोथ सोसाइटल और पर्सनल जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, और उसके अंदर जो एक एक प्रोमिनेंट किस्म की थीम है जिसमें वॉलेज फैमिली को दिखाया गया है कि वो पूरे मैकेनिज्म्स को और पूरे एनवायरनमेंट को और जो पूरी चेंजेस हैं उनके दरमियान किस तरह वो कोप कर रही है, किस तरह गुजारा कर रही है। सो जो प्ले है ये हमें ऑफर करता है इंट्रिकेसीज और बड़ी नुएंस्ड किस्म की कमेंट्री रेशियल डायनेमिक्स के ऊपर भी, और ये मीन्स के रोशनी डालता है, ये शेड्स लाइट ऑन हाउ रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय सोसाइटल प्रेजुडिसेस। सोसाइटी में जो डिफरेंसेस, इनजस्टिसेस मौजूद हैं और जो बायसनेसेस हैं और जो प्री जजमेंट्स हैं और एक प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनमें ये किस तरह जिंदा है। सो डैरन का जो रोल है एज अ वाइट बॉय विद इन द एबोरिजिनल फैमिली, ये एक एक मिनिएचर किस्म की दुनिया, एक छोटी सी दुनिया हमें दिखा रहा है, एक माइक्रोकॉस्म दिखा रहा है, जो ब्रॉडर डिस्कशंस और जो टॉलरेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा है, उनको एक्सेप्ट भी कर रहा है और डिफरेंट कल्चर्स में एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। डेली लाइफ को जब हम एक्सप्लोर करते हैं प्ले में तो ये हमें एक स्नैपशॉट देता है एबोरिजिनल एग्जिस्टेंस की। सो ये पोर्ट्रे करता है जो स्ट्रगल्स उस कम्युनिटी को हैं, फिर उनकी जो एलिजिक किस्म की टोन है, एक सैड और मेलंकोलिक किस्म की टोन है, उसमें जो मोर्निंग का एलिमेंट है और जो ट्राइबल पास्ट ने जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं उसका जो दुख है, और उसके बाद एक टचिंग और एक पॉइंट किस्म का जो एक रिमाइंडर है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि जो इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो कैसे इंडिजिनस कम्युनिटीज को उसने डिस्टर्ब किया है, खराब किया है और परेशान किया है। अब जो एजुकेशन है इसको अगर हम देखें तो ये भी एक इमर्जिंग किस्म की थीम है और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है और नैरेटिव को बिल्ड करता है, पर्टिकुलरली पीटर के कैरेक्टर में, जबकि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में जा रहा है कि उनको बैरियर्स हैं और एजुकेशन के वो मौके नहीं मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। सो प्ले जो है इसने अंडरस्कोर किया है, हाईलाइट किया है इम्पॉर्टेंस ऑफ द कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैंने आपको एक शेयर की सूरत में भी सुनाया था कि आपने अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना है तभी आप स्ट्रांग रहेंगे, कि स्नोबर स्नोबर बाग में आजाद है, पाबे गिल भी है कि बहुत बड़ा दरख्त है स्नोबर
और आजाद है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आजाद है और मजबूत खड़ा हुआ है और तनावर दरख्त की तरह खड़ा हुआ है क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में धंसी हुई हैं। तो यानी कि एक खास हद तक आजादी को एंजॉय करने के लिए एक खास हद तक पाबंदी की भी जरूरत होती है। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन बड़ी जरूरी है और उससे जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। और जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं और उसकी जो नॉर्म्स हैं, ये एडवोकेट कर रही हैं कि हम जो डाइवर्सिटी है इससे ही यूनिटी ला सकते हैं, कि हम मुत्तहिद तभी रह सकते हैं जब हम ज़्यादा चीज़ों को समाने की, बर्दाश्त करने की और उनके साथ जीने की और एक डाइवर्स किस्म की सिचुएशन में अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं, तो तब ही हम यूनाइटेड रह सकते हैं। The Dreamers has a timeless quality despite its premiere in 1982. 1982 में ये दिखाया गया था. So it resonates with the audience through its universal theme and powerful storytelling. बहुत जबरदस्त तरीके से कहानी बताई गई है. और जेक डेविस जो है, इन्होंने इस प्ले से कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ और सिर्फ, ना कि इन्होंने एबोरिजिनल हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है बल्कि उनके कल्चर को भी प्रिजर्व किया है और एक ब्रॉडर कन्वर्सेशन की है उन्होंने कि सोसाइटी में हार्मनी की और अंडरस्टैंडिंग की कितनी ज़रूरत है। एक छोटी सी फैमिली की एग्जाम्पल से उन्होंने बताया है हमें। तो ड्रीमर्स हमें इनवाइट करता है एज एन ऑडियंस कि हम अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करें और उन चैलेंजेस को कंसिडर करें और अपने मौजूदा जो प्रेजेंट है हमें उसको इम्प्रूव करें और हम एनविजन करें एक ऐसा फ्यूचर जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी हो और उसको हम सेलिब्रेट करें और एम्ब्रेस करें, उसको कबूल करें कि मतलब लोग काले हैं, लोग गोरे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अनपढ़ हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म के हैं, लोग डाइवर्स हैं, लोग यूनिक हैं और हमें उनकी यूनिकनेस को और उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, ना कि हमें इस वैरायटी के अगेंस्ट जाना है। तो और ये भी कहते हैं कि जो वैरायटी इज द टेस्ट ऑफ लाइफ, इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, बेसिकली वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। सो वैरायटी नहीं होगी तो मोनोटनी होगी। सो जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस वॉज अबाउट द समरी ऑफ द प्ले द ड्रीमर्स। थैंक यू वेरी मच।